और नई वीडियो में भाई। तो आज हम यहाँ पे शूट करने वाले हैं भाई इस गाड़ी का। आप साइड से पहचान गए कौन सी गाड़ी है, नहीं पहचाने तो यहाँ से देख लीजिए भाई। ये देखिए, अब ये लोगो देखते हो तो आपको समझ ही आ गया होगा भाई कौन सी गाड़ी का शूट कर रहे हैं। चलिए फिर भी मैं आपको एक बार बता दूं, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर का शूट हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो डिटेल से बात होगी इस गाड़ी के बारे में भाई, यहाँ पे आपको इस गाड़ी में क्या फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, क्या प्राइस रेंज यहाँ पे 2024 में रखी गई है। तो वीडियो को पूरा एंड तक का जरूर देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि आपको ऐसे बेहतरीन अपडेट्स मिलते रहें। भाई फ्रंट में खड़े हैं तो बात करेंगे सबसे पहले गाड़ी की चौड़ाई की। यहाँ पे आपको 1795 mm की ओवरऑल विड्थ देखने के लिए मिल जाती है। फ्रंट में अगर बात करेंगे तो पोर्शन थोड़ा सा डिसेंसी की तरफ आपको यहाँ पे लेके जाता है। सेंटर में आपको टोयोटा का लोगो देखने के लिए मिल जाएगा, जो आपको साटन फिनिशिंग में देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे आउटर से आप देखेंगे तो क्रोम फिनिशिंग का वर्क मिलता है, जो आपकी पूरी अपर DRL तक का कनेक्टेड आपको देखने के लिए मिलती है। और सेंटर वाला जो पार्ट है ये आपको पूरा ग्लॉसी ब्लैक में देखने के लिए मिलता है। नीचे आपको ग्लॉसी ब्लैक में ही ग्रिल पोर्शन देखने के लिए मिल जाता है। और याला पार्ट आपको भाई ये ग्रेइश फिनिशिंग में मिलता है, ये बॉडी कलर यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। हेडलैम्प्स में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने के लिए मिल जाते हैं। लो बीम हाई बीम इसी में देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपको ग्लॉसी ब्लैक का वर्क भी देखने के लिए मिल जाएगा। बस इस गाड़ी में आपको फॉग लैम्प देखने के लिए नहीं मिलता है। रीजन क्या है कि भाई यहाँ पे आपको फॉग लैम्प की जगह मिलती ही नहीं है, और ऐसा लगता भी नहीं कि यहाँ पे फॉग लैम्प होना चाहिए, क्योंकि जो इसकी हेडलैम्प की प्लेसिंग है वो आपको थोड़ा बम्पर में देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे अपर में बात करेंगे तो आपको इंडिकेटर्स और डे टाइम रनिंग लाइट दोनों इसी में मिलते हैं। ये रिफ्लेक्शन वाले पार्ट हैं दोनों, जो लाइट्स हैं वो आपको इसके पीछे देखने के लिए मिलती हैं। अगर साइड पोर्शन से चलते हैं तो गाड़ी का लुक आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। भाई लंबाई की बात करूंगा तो सेगमेंट में सबसे लंबी गाड़ी आपको देखने के लिए मिलेगी। 4365 mm की लंबाई यहाँ पे देखने के लिए मिलती है, बट व्हील बेस आपको वही 2600 mm का देखने के लिए मिलता है, जो इस सेगमेंट की सभी गाड़ियों में देखने के लिए मिलता है। टायर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स देखने के लिए मिल जाते हैं। अपोलो के टायर्स देखने के लिए मिलते हैं। टायर प्रोफाइल की बात करूंगा तो 215/60R17 का टायर प्रोफाइल देखने के लिए मिलता है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल जाएंगे। फेंडर में आपको यहाँ पे क्लैडिंग का वर्क है। ORVM आपको बॉडी कलर ही मिलते हैं। यहाँ पे आपको LED में टर्न इंडिकेटर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। विंडो में अगर देखेंगे तो आपको भाई क्रोम गार्निशिंग का वर्क यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। और जो B+ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं, यहाँ आपको ब्लैक डाउट यहाँ पे मिलते हैं। ऊपर से रूफ रेल वगैरह आपको यहाँ पे कुछ नहीं देखने के लिए मिलती है। और रियर टायर्स में भी आपको यहाँ पे ड्रम ब्रेक्स देखने के लिए मिल जाएंगे। ड्राइवर साइड ही आपको स्मार्ट की एंट्री का बटन भी देखने के लिए मिलता है। अगर बात करें तो भाई बेस्ट इन सेगमेंट ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है 210 mm का। और अगर ओवरऑल हाइट की बात करेंगे तो 1645 mm की ओवरऑल हाइट यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। रियर से चलते हैं तो भाई गाड़ी का लुक आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। सेंटर में वही टोयोटा का लोगो देखने के लिए मिल जाएगा साटन फिनिशिंग में, प्लस यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिशिंग का वर्क भी मिलता है, जो ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ काफी निखर के आता है। टेल लैंप्स की बात करेंगे तो यह आपको पूरे LED में देखने के लिए मिल जाता है, याला पोर्शन भी और याला पोर्शन भी। ये आपकी ब्रेक लाइट आ जाती है। यहाँ पे आपको रिवर्स लैंप देखने के लिए मिल जाएगा हेलोजन में ही इंडिकेटर है। और यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर का वर्क भी देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपको G की बैजिंग मिल जाती है, क्योंकि ये G वेरिएंट हमारे सामने खड़ा है, नियो ड्राइव, यानी कि ये माइल्ड हाइब्रिड गाड़ी आपके सामने खड़ी है। फिर यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो यहाँ पे आपको अर्बन क्रूजर हाई राइडर की बैजिंग देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पे आपको रिवर्स कैमरा पॉइंट मिल जाता है, और यहाँ पे आपको वाइपर है, डिफॉगर है, वॉशर है, हैमोंड स्टॉप लाइट है, स्पॉइलर भी है, और शार्क फिन एंटीना बॉडी कलर आपको देखने के लिए मिलता है। रियर बम्पर सेक्शन में बात करेंगे तो यहाँ पे भाई आपको 4 points में पार्किंग सेंसर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, और ये लगता पूरा एक ही है, लेकिन ये पास से देखेंगे तो यहाँ पे आपको कलर में डिफरेंट देखने के लिए मिल जाता है। अगर बूट की बात करेंगे तो भाई यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मिल जाता है, ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा तो भाई बूट आपको कुछ इस तरीके से मिलता है। देखने में काफी बड़ा लगता है। फिगर में अगर बात करूँ तो 373 liter का बूट स्पेस देखने के लिए मिलता है। सबसे अच्छी चीज क्या लगती है कि भाई यहाँ पे आपको पूरा यहाँ से फ्लैट देखने के लिए मिलता है, यानी आप अपने लगेज को इजी टू एक्सेस यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको देखिए स्पेस मिल जाएगा, बोतल वगैरह रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं आप। और यहाँ पे आपको बूट लैंप देखने के लिए मिल जाता है। ये अच्छी चीज लगती है कि भाई आप इसे ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हैं, ये मुझे सबसे अच्छा फीचर लगता है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे देखेंगे तो आपको 12 वोल्ट का अडैप्टर सॉकेट भी देखने के लिए मिल जाएगा, जिससे कि आप टायर इन्फ्लेटर वगैरह कनेक्ट करके हवा वगैरह भर सकते हैं। 60-40 ratio में सीट्स का स्प्लिट देखने के लिए मिल जाता है। पार्सल ट्रे का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो बूट में तो कुछ इतना ही है भाई, चलते हैं गाड़ी के अंदर, वहाँ देखते हैं वहाँ क्या क्या चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं। दरवाजा खोलते हैं तो ये देखिए भाई, कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है डोर पैनल। और इंटीरियर की अगर बात करेंगे तो पूरा डार्किस्ट थीम में इंटीरियर देखने के लिए मिलता है, मतलब ब्लैकिश टोन है पूरा, डुअल टोन का हल्के टच यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाई डोर पैनल से, तो यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मिल जाएगा लेदर राइट में,
जिसमें आपको स्टिचिंग भी मिल जाती है और यहाँ पर आपको ये सिल्वर कलर का पैटर्न मिल जाएगा, क्रोम में डोर हैंडल मिल जाता है, 4x4 पावर विंडो के स्विच हैं, ड्राइवर साइड वाला आपको ऑटो में देखने के लिए मिलता है और यहाँ पर आपको सेंटर लॉकिंग के बटन है, ORVM इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल और एडजस्टेबल का ऑप्शन मिल जाता है, बॉटल होल्डर स्पेस है और मैप पॉकेट यहाँ पे देखने के लिए मिलती है, स्पीकर्स की प्लेसिंग यहाँ पर आ जाएगी और यहाँ पर ट्विटर्स की प्लेसिंग आ जाती है। गाड़ी में टोटल 6 स्पीकर्स देखने के लिए मिलते हैं जिसमें से आपके 4 स्पीकर्स हैं, 2 ट्विटर्स मिलेंगे। सीट्स में बात करेंगे तो भाई यहाँ पर आपको फैब्रिक में सीट्स देखने के लिए मिलती है। कुशनिंग की बात करूंगा तो ठीक ठाक कुशनिंग यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती है। सीट हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन आपको हाइड्रोलिक में मिल जाएगा। फ्यूल टैंक का लिड ओपन करने के लिए ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है और गाड़ी का हुड ओपन करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ फ्यूल टैंक इसका है कहाँ पे। फ्यूल टैंक आपको इसका मिलता है भाई को ड्राइवर साइड यहाँ पे, ये देखिए। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूंगा तो यहाँ पे आपको 45 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, जो मैं सोचता हूँ कि भाई ये थोड़ी सी और ज्यादा होनी चाहिए थी एक बड़ी SUV के हिसाब से, क्योंकि ये आपका एक मिड साइज SUV है तो कम से कम 50 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी तो होनी चाहिए थी। चलिए ठीक है, कोई नहीं, इसे करते हैं बंद, चलते हैं फिर से गाड़ी के अंदर। फिर यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाएगा, आउटर में क्रोमिंग का वर्क मिल जाएगा, यहाँ पे आपको पूरा सॉफ्ट टच मिल जाता है, लेदर राइट में हेडलैम्प लेवलर आ जाएंगे यहाँ पे आपको, बाकी ये सोपीस यहाँ पे बटन नहीं आते, टॉप मॉडल्स में आपको जरूर कुछ बटन देखने के लिए मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे बात करेंगे तो आपको AC वेंट देखने के लिए मिल जाएगा, आउटर में आपको ग्लॉसी ब्लैक का वर्क मिलता है। चलिए चलते हैं गाड़ी के अंदर, बैठ के देखते हैं भाई कैसा फील होता है। दरवाजा करते हैं बंद। तो देखो दोस्तों, गाड़ी के अंदर मैं आ चुका हूँ, क्या बात है भाई, इंटीरियर कुछ डिसेंट सा इंटीरियर देखने के लिए मिलता है। ये सेंटर वाला कंसोल और ये चीज आपको कहीं ना कहीं सेम लगती होगी ग्रैंड विटारा की, क्योंकि भाई ये दोनों गाड़ियां शेयर होती हैं, नेक्सा वाली यहाँ शेयर करते हैं और यहाँ वाले वहां शेयर करते हैं, खैर ये तो आपको पता ही होगा। बात करेंगे सेंटर कंसोल की तो भाई 9 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है जिसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कार प्ले देखने के लिए मिलता है। ये हो गया ऑन कुछ इस तरीके से, ये देखिए टोयोटा की बैजिंग यहाँ पे आ जाती है, वहाँ पे नेक्सा की बैजिंग देखने के लिए मिलती है। क्लस्टर की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको भाई लेफ्ट हैंड साइड में RPM मीटर है, राइट हैंड साइड में स्पीडोमीटर है, सेंटर में आपको MMID डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाता है, कलरफुल में यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। बाकी इसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ये देखिए तो यहाँ से कुछ इस तरीके से चेंज होता है, अलग अलग चीजें यहाँ पे दिखा रहे हैं, मोशन फ्रंट है, टॉर्क, एक्सीलरेटर एंड ब्रेक, ये इंजन और बैटरी का दिखा रहा है क्योंकि माइल्ड हाइब्रिड है तो वो चीज भी यहाँ पे आपको दिखाता है। फिर यहाँ सेंटर कंसोल में आ जाते हैं फिर से तो यहाँ पे आपको देखिए 2 AC vents देखने के लिए मिल जा रहे हैं, 2 ही मिलते हैं भाई हर जगह, यहाँ कोई नई चीज नहीं है। और ये वाला पैटर्न आपको ग्लॉसी ब्लैक में मिलेगा, यहाँ पे आपको सिल्वर कलर का पैटर्न मिल जाता है, ये चीज अच्छी लगती है। सेंटर में हैजर्ड लैम्प का बटन है और यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो AC कंट्रोल यूनिट मिल जाएगी जो आपको ऑटो में देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे आपको एडल्ट स्टार्ट स्टॉप का बटन है, ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन मिलेगा और यहाँ पे आपको देखिए आपको एक USB पोर्ट मिल जाएगा और यहाँ पे आपको एक 12 वोल्ट का अडैप्टर सॉकेट भी देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आपको एक प्लेस मिल जाएगा जिसमें आप फोन वगैरह कैरी कर सकते हैं। और गियर नॉब की बात करेंगे तो भाई यहाँ पे आपको ये 5-speed ट्रांसमिशन में देखने के लिए मिलता है। फिर यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर का ऑप्शन मिल जाएगा और की देखिए भाई, की भी आपको सेम टू सेम वैसी ही देखने के लिए मिलती है जैसे आपने नेक्सा की देखी होगी। चलिए इसे यहीं रख देते हैं। फिर आर्मरेस्ट की बात करेंगे तो ये आपको लेदराइट में देखने के लिए मिलता है, स्लाइडेबल में मिलता है, प्लस इसके अंदर आपको स्टोरेज भी देखने के लिए मिल जाती है कुछ इस तरीके से, इसे करता हूं बंद। ग्लोब बॉक्स में बात करूंगा तो भाई यहां पे आपको ग्लोब बॉक्स कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएगा, डिसेंट सा स्पेस यहां पे आपको देखने के लिए मिलता है और यहां पे आपको भाई इसके अंदर ग्लोब लैंप भी देखने के लिए मिलता है, ये देखिए लाइट जली हुई दिख रही है आपको कुछ, हाँ तो भाई यही ग्लोब लैंप है जो वर्क करता है। और ये वाला पैटर्न आपको पूरा यही सॉफ्ट टच में लेदर राइट में देखने के लिए मिलेगा। फिर बात करेंगे यहाँ पे आपको ऑटो डिमिंग IRM देखने के लिए मिल जाएगा और सनग्लास होल्डर आपको यहाँ पे मिल जाता है, रीडिंग लैंप के ऑप्शन यहाँ पे आपको हैलोजन में मिलेंगे और ये लाइट्स का ही है, बाकी यहाँ पे सनरूफ वगैरह कुछ नहीं मिलता है आपको, वो इससे अपर वाले वर्जन में मिलेगा। और यहाँ पे आपको देखिए वैनिटी मिरर है विद लैंप के साथ आपको मिल जाएगी और यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर यहाँ पे भी मिलता है को ड्राइवर साइड और लैंप के साथ देखने के लिए मिलता है। स्टेयरिंग व्हील की बात करेंगे तो भाई राउंड में स्टेयरिंग व्हील आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको साटन फिनिशिंग का वर्क मिल जाता है, सेंटर में टोयोटा का लोगो देखने के लिए मिल जाएगा, क्रूज कंट्रोल यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, ब्लूटूथ के कंट्रोल्स है, म्यूजिक के कंट्रोल्स है। स्टेयरिंग व्हील की बात करेंगे तो टिल्ट तो आता है, टेलीस्कोपिक भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, काफी सॉफ्ट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। फिर लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहाँ पे वाइपर के कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाते हैं और राइट हैंड साइड में आप चेकआउट करेंगे तो हेडलैम्प और इंडिकेटर के कंट्रोल्स मिलते हैं जो आपको ऑटो में मिलेंगे और फॉलोमी हेडलैम्प्स में देखने के लिए मिलते हैं। अब बात करते हैं कंफर्ट की तो भाई ये देख हेडरूम स्पेस अच्छा खासा है, सिटिंग पोर्शन आपको अच्छा खासा मिल जाता है, अब्सॉर्ब ये बकेट फिट जो डिजाइन है सीट्स का काफी अच्छा खासा मिलता है जो आपको अच्छे तरीके से कंफर्ट फील यहाँ पे कराती है। विजिबिलिटी भी आपको काफी अच्छी खासी मिल जाती है, पूरी हुड की विजिबिलिटी यहाँ से आपको देखने के लिए मिलती है। और बात करेंगे अंडर थाई सपोर्ट की तो वो भी यहाँ पे आपको भाई अच्छा खासा देखने के लिए मिलता है। फ्रंट में तो भाई कुछ इतना ही है, अब चलते हैं इसके रियर सीट्स में, वहां देख लेते हैं वहां क्या क्या चीजें आपको देखने के लिए मिलती है।
तो भाई जैसे ही रियर का डोर मैं खोलता हूँ तो सेम वही पैटर्न आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। क्रोम में डोर हैंडल है, सिल्वर फिनिशिंग का टच है, लेदराइट में सॉफ्ट टच है। यहाँ पे आपको पावर विंडो का स्विच, स्पीकर्स की प्लेसिंग, वाटर हॉटर स्पेस, मैप पॉकेट देखने के लिए मिल जाती है। रियर से इंटीरियर की बात करेंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। चलिए चलते हैं इंटीरियर के अंदर, दरवाजा करते हैं बंद। तो दोस्तों गाड़ी के अंदर मैं आ चुका हूँ। अगर बात करेंगे तो लेगरूम स्पेस, नीरूम स्पेस तो खैर आपको देखने के लिए मिल ही रहा होगा। ड्राइवर सीट के पीछे मैगजीन पॉकेट मिल जाती है, को ड्राइवर सीट के पीछे भी मैगजीन पॉकेट मिलती है। रियर में एसी वेंट्स मिल जा रहे हैं, यहाँ पर आपको टू पोर्ट्स मिल जा रहे हैं, ये मिलते हैं आपको एक टाइप ए का और एक टाइप सी का। नीचे से फोन रखने के लिए प्लेसिंग है। हेडरेस्ट यहाँ पे आपको एडजस्टेबल मिल जा रहे हैं दोनों के दोनों। रियर के जो हेडरेस्ट आते हैं भाई वो भी यहाँ पे आपको एडजस्टेबल देखने के लिए मिलते हैं, तीन के तीन, काफी अच्छी चीज है। और ये 60-40 रेशो में सीट स्प्लिट का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है, कुछ इस तरीके से बूट को एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट भी देखने के लिए मिल जा रहा है, टू कप होल्डर का ऑप्शन मिल जा रहा है जिसमें। और रीडिंग लैंप्स आपको यहाँ पे साइड्स में देखने के लिए मिलते हैं, ये देखिए काफी अच्छा चीज है कि सेंटर में नहीं दे रखा है क्योंकि इसमें पैनोरमिक भी आता है, तो इस वजह से इसको प्लेस ही यहीं किया गया है। कोट हैंगर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब बात करते हैं भाई कम्फर्ट की, वो कैसा मिलता है। तो भाई कम्फर्ट की अगर बात करूंगा सबसे पहले आता है हेडरूम स्पेस, अच्छा खासा है। रिक्लाइनिंग एंगल आपको काफी अच्छा खासा मिल जाता है। अंडर थाई सपोर्ट भी आपको यहाँ पे अच्छा खासा देखने के लिए मिलता है। कुशनिंग भी यहाँ पे आपको ठीक ठाक देखने के लिए मिल जाती है। सबसे अच्छी चीज क्या लगी कि भाई गाड़ी के अंदर मुझे स्पेस काफी अच्छा खासा यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। भाई पीछे से तो इतना ही कुछ है, बाकी चलते हैं इसके इंजन बे में, वहाँ देख लेते हैं वहाँ क्या क्या चीजें आपको और देखने के लिए मिलती हैं। तो चलिए चलते हैं इंजन की तरफ। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ इसके इंजन कंपार्टमेंट में। अगर इंजन की बात करूंगा तो भाई कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको इंजन देखने के लिए मिल जाता है। नीचे से इंजन प्रोटेक्टर शीट भी है, नहीं है भाई ये थोड़ी सी आधी आधी देखने के लिए मिल रही है, पीछे से खुला है। वहाँ पे आपको इंसुलेशन का वर्क है, हुड में भी इंसुलेशन का वर्क मिल जाता है। इंजन की बात करूँ तो भाई यहाँ पे आपको 1500 सीसी का फोर सिलेंडर K15C माइल्ड हाइब्रिड इंजन देखने के लिए मिल जाता है, जिसकी पावर आपको 102 bhp की देखने के लिए मिलती है। और टॉर्क की बात करूंगा तो 136.8 Nm का टॉर्क ये गाड़ी निकाल के देती है। बाकी माइलेज की अगर बात करें तो कंपनी यहाँ पे 21.12 kmpl का माइलेज क्लेम कर रही है, बाकी डिपेंड आपकी ड्राइविंग कंडीशन, आप किस तरीके से गाड़ी चलाते हैं। ब्रेकिंग्स में बात करूं तो ABS, EBD ब्रेक असिस्ट जैसे फीचर्स यहां पे देखने के लिए मिल जाएंगे। ट्रैक्शन में ट्रैक्शन कंट्रोल है, हिल होल्ड कंट्रोल और ESP जैसे फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं। और अगर वारंटी की बात करूं तो 3 साल 1,00,000 किलोमीटर की वारंटी मिल जाती है। ये चीज आपको यहां पे मारुति से ज्यादा देखने के लिए मिल जाएगी क्योंकि वहां पे आपको 2 साल 40,000 किलोमीटर की ही देखने के लिए मिलती है। और लंबाई भी इस गाड़ी की ज्यादा ही आपको यहां पे देखने के लिए मिलती है। और एयरबैग्स में 6 एयरबैग यहां पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो भाई ये तो था कुछ इसका इंजन, अब कर लेते हैं फाइनल वॉक अराउंड। तो दोस्तों हमने बात करी यहाँ पे इस टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर जी वेरिएंट के बारे में, हमने जाने इस गाड़ी के फीचर्स वगैरह, हमने जाने इस गाड़ी के प्राइस रेंज वगैरह कि यहाँ पे क्या प्राइस रेंज आपको पड़ जा रही है। प्राइस रेंज मैंने आपको बताई नहीं बताई, मैं नहीं बताऊंगा। क्या नहीं बताई? नहीं बताई तो मैं आपको फिर अभी बता देता हूँ। चलिए इसकी जो एक्स शोरूम वैल्यू पड़ती है आपको 14,49,000 रुपए का एक्स शोरूम देखने के लिए मिलता है। ऑन रोड आते आते ये गाड़ी आपको 16,84,000 रुपए के आसपास ऑन रोड पड़ती है। तो दोस्तों ये गाड़ी आपको कैसी लगती है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ जो लोग मेरे न्यू व्यूवर्स हैं वो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो जिससे कि ऐसे बेहतरीन अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं हमसे कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।